दादा देखो बिन सनहारा, जस देखो तस करहु विचारा, दसहों द्वारे तारी लावे, तब दयाल के दर्शन पावे। दक्षर के माध्यम से सदगुरु कबीर कहते हैं कि देखो संसार पर विचार करो, विचार करने से पता चलेगा कि सारा संसार परिवर्तनशील है, विनश्वर है, नित्य यहां पर परिवर्तन की धारा चल रही है। इसलिए हट करके कहीं बैठो मत, जस देखो तस करो विचारा, जैसा देखो जैसा उचित लगे उचित समझ में आए उस प्रकार से अपने और पराये के कल्याण के लिए विचार करो और वैसा काम करो। साहब कहते हैं पहले संसार को देखो, संसार देखने पर पता चल जाएगा कि यहां पर सब का सब विनश्वर है, परिवर्तन संसार का स्वभाव है। दो ढंग से इसे हम समझ सकते हैं, जो संसार का स्वभाव ही है परिवर्तन, जहां सब कुछ विनश्वर है, सारी चीजें विनष्ट हो रही है, ऐसे विनश्वर संसार में सुख की खोज करना अपने को धोखा देना है। कौन सा ऐसा पदार्थ है जो आपके साथ सदैव रहने वाला है, और जो पदार्थ सदैव रहने वाला नहीं है उससे आपको स्थायी सुख कैसे मिल सकता है, वह आपका स्थायी आधार कैसे बन सकता है। इसलिए संसार की वस्तुओं को अपना स्थायी आधार न मानो, उनमें स्थायी सुख का भ्रम न करो, उसकी विनश्वरता को देखो और विनश्वरता को देखकर उसको उपयोग तो करो, लेकिन उसके मोह और आसक्ति में न पड़ो। मोह और आसक्ति में पड़ोगे और जब उसका विनाश हो जाएगा तब सिर पर हाथ धक करके रोना पड़ेगा। आसक्ति नहीं है, मोह नहीं, ममता नहीं है, अब पहले से समझते हो कि दुनिया सारी चीजें तो विनश्वर है ही, तो उनके विनाश हो जाने पर दुख नहीं होगा। जो पहले से ही मोह ममता को छोड़ दिया है, पहले से जो समझता है कि वस्तु में तो विनश्वर है ही, तो विनाश होने पर वह शोक क्यों करेगा, दुख क्यों करेगा, और उसको मान लिया कि ये मेरा स्थायी आधार है, ये मेरे सुख का आधार है, केंद्र है, तो उसे दुख होना ही होना है। दूसरे ढंग से समझे, साहब कहते हैं यहां सब कुछ विनश्वर है, इसलिए कहीं रूढ़िवादी बन करके किसी परंपरा की पूंछ पकड़ करके बैठो मत। समय को देखो, समय के नब्ज को पहचानो और समय के साथ चलना सीखो। जो यदि समय के साथ चलना नहीं सीखोगे तो पीछे छूट जाओगे। कितनी मान्यताएं बदलती है, आज से 50 साल और आज के जमाने में कितना अंतर हो गया है। अब हम सोचे कि नहीं, हमारे 50 साल पूर्व पहले हमारे पूर्वज हमारे दादा बाबा ऐसे खाते थे, ऐसे पीते थे, ऐसे मकान में ही रहते थे, हम भी ऐसे ही मकान में रहेंगे। हमारे बाप दादा के जमाने में कहीं गाड़ी नहीं थी, रेल नहीं थी, सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी। अब हम अपने बाबा दादा पर श्रद्धा रखने वाले हैं, तो ऐसा समझ करके आप चाहो कि हम बिजली का, ट्रेन का, बस का, आज की चीजों का उपयोग न करना चाहें तो जी कहां पाओगे। तो अपने समय की नब्ज को पहचानो और साथ साथ ये देखो कि मान्यताएं कैसे बदलती है। भौतिक जगत में तो परिवर्तन होता ही होता है, मान्यताओं में, परंपराओं में, संस्कृतियों में, पूजा पद्धतियों में, सब में परिवर्तन होता है। अब जो आदमी हट पकड़ करके बैठ जाता है, नहीं हम तो ऐसा ही मानेंगे, वो पिछड़ जाएगा। यद्यपि परंपराओं में बहुत सी चीजें ऐसी है
जो काम की है, तो जो काम चीजें हैं उनको तो लेना पड़ेगा, लेकिन परंपराओं में ऐसी बहुत सी चीजें होती है जो समय देश काल परिप्रेक्ष्य में निष्प्रयोजन सिद्ध होती हैं, उनका त्याग करना होगा। तो खास बात यह है, साहब यह कहते हैं, यह देखो कि जो रूढ़ियां, जो प्रथाएं, जो परंपराएं, जो मान्यताएं, जो पूजा पद्धतियां देश काल के हिसाब से अनुपयोगी और अहितकर सिद्ध होती हैं, उनका त्याग कर दो, उनका मोह ना करो। वर्तमान में ये देखो कि उपयोगी क्या है, हितकर क्या है, सही क्या है। जो सही है उसको पकड़ो, और जो गलत है उसका त्याग कर दो। साकर जस देखो तस करो विचारा, समय को जैसा देखते हो वैसा विचार करो। जो आदमी विचार करता रहता है उसके विचार ताजे बने रहते हैं। जब तक जंगला खोलोगे नहीं, हवा प्रकाश आएंगे कैसे, कमरे के अंदर की हवा ताजा कैसे रहेगी। ऐसे ही जो आदमी विचार करना छोड़ देता है, परंपरा का पुष्लग्गु बन जाता है, उसका मन मस्तिष्क सड़ जाता है। मन मस्तिष्क की खिड़की को खोल करके रखो और विचार करो, तर्क करो, सोचो कि सही क्या है, तब तुम्हारे विचार ताजे बने रहेंगे, मन मस्तिष्क ताजे बने रहेंगे, उसमें स्फूर्ति रहेगी, विवेक के लिए जगह बनेंगे और देश काल के साथ चल सकोगे। आगे साहब कहते हैं, दसहु द्वारे तारी लावे तब दयाल के दर्शन पावे। जब साधक दसों दरवाजों पर तारी लगाता है तब दयाल के दर्शन पाता है। दसों दरवाजा, दस इंद्रियां, या शरीर में जो दस दरवाजे माने गए हैं, अर्थ है कि जो शरीर और इंद्रियों को अपने वश में करके उन पर संयम करके ध्यान समाधि में लीन होता है, वह दयालु सद्गुरु के उपदेश रूप में आत्म साक्षात्कार करता। कोई ऐसा दयालु के यहाँ दर्शन पड़ने की बात नहीं है जो किसी लोक में रहता है, साहब उसका बार बार खंडन करते हैं। अलग से किसी दयालु ईश्वर के दर्शन, फिर यदि वो बाहर से मिलेगा तो वह फिर परमात्मा थोड़े रह जाएगा, फिर भौतिक हो जाएगा। अर्थ है सद्गुरु के उपदेश स्वरूप आत्म साक्षात्कार वहां पर होगा, आत्मस्थिति होगी, इंद्रियां संयमित हो गई, मन संयमित हो गया, जीवन में पूर्ण संयम, मन शरीर तन मन वचन सब अपने वश में है, और मन ध्यान में ध्यान समाधि में लीन हो गया, तब वहां पाना क्या रहा। इंद्रियां भी संयत है, मन संयत है, कोई विचार नहीं मन में, कोई कल्पना नहीं मन में, कोई संकल्प नहीं मन में, तो मिलेगा क्या। इंद्रिय और मन के संयम हो जाने पर जब ये सब ध्यान समाधि में लीन हो गए, तब जो शेष तत्व रह गया वो क्या है, व्यक्ति का अपना आपा, निज स्वरूप, उसकी प्राप्ति होगी। उसको आप आत्म साक्षात्कार कहो, ब्रह्म की प्राप्ति कहो, ईश्वर की प्राप्ति कहो, स्वरूप स्थिति कहो, शब्द अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वहां मिलता कुछ नहीं है, आत्मसत्ता मात्र रह जाता है। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते तमाह परमाम गतिम। पांचों ज्ञानेन्द्रियां संयमित हो गई, मन से ही बुद्धि भी शांत हो गई, तब उसी को ही कहते हैं परम गति। वहां पाना कुछ थोड़े रह गया। दसहु द्वारे तारी लावे तब दयाल दर्शन पाए। साहब कहते हैं जब इंद्रियां संयमित हो गई, मन ध्यान समाधि में लीन हो गया, तब दयालु सद्गुरु के उपदेश से आत्मबोध पा करके स्वरूप स्थिति होती है, वही व्यक्ति का अपना आपा है। इसलिए आपा, इसलिए साहब कहते हैं बाहर से पाने का भ्रम छोड़ करके अपने मन पर, इंद्रियों पर संयम करो और ध्यान समाधि में लीन हो जाओ। जब ध्यान समाधि की परिपक्वता होगी तब आत्म साक्षात्कार होगा।